हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टेली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टेली ई आर प्लान सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। गाइस, आज के हम जो प्रैक्टिकल वीडियो में सीखने वाले हैं वो है टीसीएस एंट्री। किसकी एंट्री? टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स की एंट्री सीखने वाले हैं, और कैसे? इन द बुक्स ऑफ बायर एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ सेलर। मतलब अगर एक ही व्यक्ति है जो बायर भी है, जब वो बाय करता है गुड्स को, तो भी उसे टीसीएस जो है कलेक्ट करना पड़ता है। मतलब टीसीएस उसको देना पड़ता है, किसको? सेलर को देना पड़ता है। और जब वो गुड्स को सेल करता है तो उसे बायर से कलेक्ट करना पड़ता है। मतलब दोनों सिचुएशन हम एक ही वीडियो में लाने वाले हैं, इसलिए हमने वीडियो का नाम रखा है डबल धमाका वीडियो। तो आज के वीडियो में हम जो बेसिकली सीखने वाले हैं वो है टीसीएस एंट्री इन द बुक्स ऑफ बायर एज वेल एज सेलर। वो बायर और सेलर एक ही व्यक्ति है। जब वो गुड्स को परचेज करता है तो वो टीसीएस देता है, किसको? सेलर को। और जब वो गुड्स को सेल करता है तो क्या करता है? वो टीसीएस लेता है, किससे? बायर से लेता है। सारा कुछ हम विद टैली ई आर प्लान सॉफ्टवेयर सीखेंगे, सारा कुछ हम टैली ई आर प्लान सॉफ्टवेयर करने के अंदर सीखेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर देते हैं और आपके समय को व्यर्थ नहीं करते हैं। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि वीडियो का कंटेंट क्या है। आज के वीडियो का जो कंटेंट है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू रिकॉर्ड टीसीएस एंट्री इन द बुक्स ऑफ बायर। बायर की बुक्स में किस तरीके से परचेज का बिल चढ़ाया जाएगा विद TCS। सेकेंड, हाउ टू रिकॉर्ड TCS एंट्री इन द बुक्स ऑफ सेलर। जिस बायर ने गुड्स को खरीदा है, अब मान लो वो जब सेल कर रहा है तो वो सेलर भी किस तरीके का है? 50 लाख से ऊपर का है, और हमारा टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज़्यादा है। मतलब मैं गुड्स को सेल करूँगा तो भी मैं TCS को कलेक्ट कर रहा हूँ। एक ही व्यापारी है जो TCS खरीदने पे ही पे कर रहा है और सेल करने पे कलेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स। TCS को कैसे कैलकुलेट किया जाता है सेल ऑफ गुड्स के ऊपर, ये सीखेंगे। फिर उसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू रिकॉर्ड TCS पेमेंट एंड रिसीप एंट्री। TCS के पेमेंट की और रिसीप की एंट्री कैसे कहते हैं? पेमेंट मतलब जब मैंने गुड्स को बाय करा तो बिल के ऊपर TCS लगा हुआ था, वो मैंने पे कर दिया सेलर को, और जब मैंने गुड्स को सेल किया तो जो मैंने उस पर TCS की वैल्यू लगाई थी वो कलेक्ट की बायर से। तो पेमेंट और रिसीप दोनों की एंट्री सीखेंगे। साथ ही साथ हम सीखने वाले हैं हाउ टू एडजस्ट TCS अमाउंट ऑफ अगेंस्ट ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी। TCS अमाउंट को कैसे सेट ऑफ किया जाएगा इनकम टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है। तो फटाफट से वीडियो और आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप ये जो हमारा वीडियो ये है वीडियो पार्ट नंबर फोर्थ, वीडियो नंबर फोर्थ है। इससे पहले हम ऑलरेडी TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। सेकेंड वीडियो हमने जो बनाई थी वो विद टैली ERP9 कैसे सेल को रिकॉर्ड की जाती है वो बनाई थी। थर्ड वीडियो में कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि हमें रिसीप के ऊपर कलेक्ट करना चाहिए कि इनवॉइस के ऊपर कलेक्ट करना चाहिए, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो इस वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस किए हैं। तो आपका डाउट दूर हो जाएगा कि आपको रिसीप पे कलेक्ट करना है कि इनवॉइस के ऊपर कलेक्ट करना है। तो सारा वीडियो का क्वेश्चन का जवाब हमने इस वीडियो के अंदर दिए हैं। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले जो हमारे पास आया है वो है परचेस का ट्रांजेक्शन। किसका ट्रांजेक्शन है? ये परचेस का ट्रांजेक्शन है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि बायर सेलर ने हमसे 852 रुपीज़ TCS कलेक्ट किया है। मतलब मैं उसको पे करूंगा। मैंने गुड्स खरीदा 52 लाख रुपए का, इसका मतलब क्या हो गया? मैं एलिजिबल हो गया TCS पे करने के लिए। मैं यहाँ पर अभी पहले बायर हूँ, पहले मैं कौन हूँ आपको बताना चाहूँगा। मैं बायर हूँ, मैं गुड्स को परचेज कर रहा हूँ। गुड्स की वैल्यू क्या है? 50 लाख से ज़्यादा है। सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, इसलिए वो मुझसे TCS कलेक्ट करेगा। तो उसने TCS कलेक्ट किया कितना? 852। कैसे कलेक्ट किया 852 उसने? ये उसने यहाँ पे मेंशन किया। ये मेंशन कैसे किया ये भी मैं आपको जब हम सेल का बिल काटेंगे तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। टोटल बिल की वैल्यू थी 61,36,000। 50 लाख रुपये थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो 11,36,000 रुपये के ऊपर उसने 0.075% के हिसाब से जो है TCS मेरे से कलेक्ट किया है। तो इस तरीके से हमें पूरा जो है पहले परचेस का बिल फीड करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं हूँ वो कौन हूँ? ABC ट्रेडर्स हूँ। मेरा क्या हूँ? ABC ट्रेडर्स। तो हम सबसे पहले टैली कंपनी के ऊपर चलते हैं और बिल्कुल शुरुआत से क्रिएट करेंगे कंपनी को। कंपनी क्रिएट कर लेते हैं ABC ट्रेडर्स के नाम से, इंडिया, उत्तर प्रदेश, कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। देन इसके बाद हम GST को एनेबल करेंगे, F11 की प्रेस करेंगे। अकाउंटिंग फीचर्स में ना जाके F3 स्टैच्यू एंड टैक्सेशन में जाएंगे, एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस वाले ऑप्शन को हम यस कर देंगे। ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में मैं पहले से ही बता चुका हूँ, तो इसको यस कर देंगे। देन इसके बाद हम कंट्रोल ए कर देंगे। अभी हम TCS को एनेबल नहीं कर रहे, गुड्स को परचेज करते समय में TCS को एनेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल ए से हमने क्या करा? सेव कर दिया।
वाउचर में आया परचेस कर रहे हैं, इसलिए F9 की को प्रेस करना पड़ेगा। F9 की प्रेस करने के बाद मैं देखूंगा कि सेलर का इनवॉइस नंबर क्या है, तो इनवॉइस नंबर है 1 और 1 अक्टूबर 2020 का इनवॉइस है, एंड जो सेलर है उसका नाम है एक्स वाई जेड ट्रेडर्स। तो मैं सारी चीज़ें क्रिएट कर लेंगे टैली में, एक नंबर और डेट है 1/10/2020। ऑल्ट सी से हम क्रिएट करेंगे एक्स वाई जेड ट्रेडर्स, ये कौन है, हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है क्योंकि मैं इससे माल खरीद रहा हूँ, माल खरीद रहा हूँ तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। ये भी हम एज्यूम कर रहे हैं सेम स्टेट का है। यहाँ पर आप जीएसटी नंबर फिल कर लोगे, जो भी जीएसटी नंबर होगा, यहाँ पर इस केस में जीएसटी नंबर है CYMPF 9400 SEZ2। देन हम आइटम क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी, हमें कहीं पे भी अभी TCS एनेबल करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं गुड्स को परचेज कर रहा हूँ और परचेज करते समय मुझे किसी भी तरीके से जो है वो TCS को एनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। और बताना चाहेंगे, पहले हमें सबसे पहले सीखना चाहिए नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो अगर मैं TCS किसी को पे कर रहा हूँ तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए असेट है। क्या है मेरे लिए असेट है, अगर मैं किसी को TCS पे कर रहा हूँ, किसके ऊपर पे कर रहा हूँ, सेल बिल के ऊपर पे कर रहा हूँ, मतलब मैं परचेज जब कर रहा हूँ तो मैं उसको पे कर रहा हूँ, और जो पे कर रहा हूँ TCS वो मैं अगेंस्ट इनकम टैक्स लायबिलिटी के सेट ऑफ करूंगा, इसलिए मेरे लिए ये असेट है। हमें ये पता होना चाहिए अकाउंटिंग के बेसिक्स। टैक्स है इसके ऊपर 18%, कंट्रोल से हमने कर देना है सेव और अगेन कंट्रोल है। ये हमारा आइटम क्रिएट हो गया, एक आइटम हमने यहाँ पे खरीदा है, इसकी वैल्यू कितनी है 52 लाख, कितनी वैल्यू है 52 लाख, तो हम यहाँ पे 52 लाख फिल कर लेंगे। देन एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमारे दिमाग में तो हम सेल कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं, इसलिए हम परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे, परचेज अकाउंट, एंड यहाँ पर हम गुड्स खरीद रहे हैं इसलिए गुड्स, और ये हमारा परचेज हो गया गुड्स। इसके बाद हम CGST और SGST के लेजर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी शॉर्टकट की है क्रिएट करने की। जीएसटी सेंट्रल टैक्स, कंट्रोल ए से सेव करोगे और यहाँ पर आपका टैक्स का पैसा जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट आ गया। हमें टैक्स का पैसा हमेशा ऑटोमेटिकली लेना चाहिए, मैनुअली फिल नहीं करना चाहिए। 4,68,000 रुपये जो है वो टैक्स है, यही हम देख लेते हैं हमारे बिल के ऊपर, यहाँ पर भी क्या 4,68,000 ही लगा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4,68,000 ही आपका जो है CGST और SGST का पैसा है। हम दूसरा लेजर क्रिएट करेंगे SGST अकाउंट, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST है, स्टेट टैक्स लेंगे, यहाँ पर हम कंट्रोल ए से कर देंगे सेव, तो हमारा ये पैसा भी ऑटोमेटिकली आ गया। और ऑल्ट ए से हम एनालाइज कर सकते हैं, 9% जो है हमारा CGST और 9% SGST का पैसा लग गया। ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, मैं इसलिए द्वारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जो हम अगला लेजर क्रिएट करेंगे वो हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और करेंगे TCS रिसीवेबल फाइनेंशियल ईयर 2021। फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है 2021, हम फाइनेंशियल ईयर के नाम से क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर हम एक बार ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। यहाँ पर वैसे आप चाहो तो करंट असेट्स में भी ले सकते हो, पर और ज़्यादा फिल्टर अपनी बैलेंस शीट बनाने के लिए, और ज़्यादा फिल्टर रिपोर्ट बनाने के लिए आप एक ग्रुप और क्रिएट कर सकते हो TCS अमाउंट के नाम से, जिसमें कि आपके हर फाइनेंशियल ईयर का अमाउंट ऑटोमेटिकली आता रहेगा। TCS अमाउंट हम करेंगे और यहाँ पर इसको लेंगे हम करंट एसेट के अंदर, किसके अंदर लेंगे, करंट एसेट्स के अंदर। यहाँ पर हम एक ग्रुप बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, किसका क्रिएट कर रहे हैं, TCS अमाउंट, क्योंकि हर फाइनेंशियल ईयर का TCS मैं तुरंत एडजस्ट नहीं करूंगा, तो मेरे पास एक अलग अलग ईयर वाइज बायफरकेट होके मेरे पास आता रहा, इसलिए हमने एक ग्रुप बना दिया अंडर करंट असेट्स बनाएंगे, किसके अंडर में, करंट असेट्स, क्योंकि ये पैसा मुझे मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर लायबिलिटी कम है तो रिफंड मिलेगा और लायबिलिटी ज़्यादा है तो लायबिलिटी के अगेंस्ट में सेटअप हो जाएगा। किसकी लायबिलिटी, इनकम टैक्स की लायबिलिटी, कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। यहाँ पर किसी भी तरीके का हमने TCS का लेजर अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस नहीं बनाना है, ना ही TCS के ऑप्शन को एनेबल करना है, क्योंकि मैं अभी गुड्स को परचेज कर रहा हूँ। कंट्रोल ए से हम इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पर जो हम फिगर डालेंगे वो हम मैनुअली फिगर डालेंगे। मैनुअली फिगर कितनी है हमारी यहाँ पर 852। TCS मैं कितना दे रहा हूँ सेलर को, 852, तो मैं यहाँ पे 852 जो है वो मैनुअली फिल कर लूँगा। देन एंटर प्रेस करते हो आप, ईवे बिल की डिटेल डालते हुए इसको आप कर लेंगे सेव। अभी हमारी बिल की वैल्यू कितनी बन गई है, 61,36,852 रुपये। और यहाँ पर जो है इनवॉइस जो मेरे को मिला है परचेज का, इस पर भी वैल्यू कितनी है, 61,36,852 रुपये। तो ये मेरी एंट्री परचेज ही हो गई। इस तरीके से आप परचेज की एंट्री कर सकते हो। देखो मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको 3-4-5 चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। तो ये एंट्री मैंने कर ली सेव,
अब अगर मैं बैलेंस शीट के अंदर आता हूँ, बैलेंस शीट के अंदर देखिए मेरे को यहाँ पर एक करंट असेट्स के अंदर में ग्रुप क्रिएट मिला मिल जाएगा, करंट असेट्स इसके अंदर में मेरे को TCS अमाउंट के नाम से एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ मिल गया। इसको मैं अगर एंटर प्रेस करूँगा तो ये TCS रिसीवेबल के नाम से मेरे को अमाउंट मिल जाएगा, TCS रिसीवेबल फाइनेंशियल ईयर 2021 और अमाउंट कितना है 852 रुपये। ये मेरे लिए क्या है, असेट है। क्यों है, क्योंकि मैंने ये सेलर को पे कर दी, इसलिए मेरे लिए क्या है, ये असेट्स है। तो इस तरीके से मैंने परचेज की एंट्री पास कर ली। बहुत कमेंट आ रहे थे कि परचेज की एंट्री पास करना सिखाओ। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि यही बायर जो है वो सेलर भी है और TCS के अमाउंट को कलेक्ट करेगा, तो अब हम सेल की एंट्री पास करेंगे। तो सेल की एंट्री के लिए हमने जो क्वेश्चन बनाया वो ये है, 5/10/2020 आइटम है जो 52 लाख का लिया था वो हम कितने में बेच रहे हैं, 53 लाख रुपीस में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हम किस वैल्यू के ऊपर TCS कलेक्ट करेंगे और कैसे वर्किंग रहेगी और हमें कौन कौन से लेजर को एनेबल करना पड़ेगा TCS के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमें प्रेस करना पड़ेगा F11। F11 प्रेस करने के बाद हमें F3 स्टैचुरी एंड टैक्सेशन में जाना पड़ेगा और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा ये Enable TCS, Tax Collected at Source। Purchase की एंट्री पास करना बहुत सरल है, सेल की एंट्री में हमें 4-5 लेजरों में जो है TCS को एनेबल करना पड़ेगा। तो यहां पर हम इसको कर लेंगे Yes और यहां पर हम इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे, कंट्रोल A से हम कर लेंगे सेव। एंड जिस पार्टी को हम बेच रहे हैं हम एज्यूम कर रहे हैं उसका नाम है 123 एंड कंपनी, और ये पैसे देगा क्योंकि माल हम इसको बेच रहे हैं। तो सबसे पहले हमें किस में एनेबल करना पड़ेगा, पार्टी के लेजर में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि TCS हमें सबसे पहले किस में एनेबल करना पड़ेगा, पार्टी के लेजर में, देन सेल के लेजर में, आइटम के लेजर में, फिर इसके बाद हमें GST के लेजर में, मतलब चाहे वो CGST हो, चाहे SGST, चाहे IGST, और इसके बाद हमें एक TCS का लेजर बनाना पड़ेगा एक अलग से। तो हमें 5 जगह पर सेल करते समय TCS को एनेबल करने की जरूरत है। तो यहां पर जो हमारा पहला ऑप्शन हमें मिला इस TCS एप्लीकेबल, तो हम इसको करेंगे यस। इसके बाद हम इसको कर देंगे, ये इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप, और कंपनी है तो कंपनी, यहां पर हम एज्यूम करें इंडिविजुअल। हालांकि यहां पर ये ऑप्शन इसलिए होता है कि कईयों बार टैक्स स्लैब जो होता है वो अलग अलग होता है, इंडिविजुअल के लिए अलग होता है और कंपनीज के लिए अलग होता है, पर TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स सेक्शन 206(c)(1)(h) सभी के लिए एक है, वो है 0.075% 31 मार्च 2021 तक, और होपफुली उसके बाद हो जाएगा वो 1%। इंडिविजुअल रेजिडेंट हमने यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर हम इसका पैन कार्ड नंबर डालेंगे, क्या डालेंगे, पैन कार्ड नंबर, अदरवाइज ये ज़्यादा पैसे को डिडक्ट करेगा। इसके बाद आप इसका GST नंबर फिल कर दोगे, कंट्रोल ऐसे हमने कर दिया सेव। आइटम ए जो कि मैंने खरीदा था एक पीस, मेरे पास स्टॉक में आ रहा है और मैंने इसी एक पीस को क्या करा, सेल कर दिया, और ये मैं कितने में सेल कर रहा हूँ, 53 लाख में। यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है रकम कितनी, 53 लाख रुपीस। एंटर प्रेस करोगे और हम यहाँ पर हम ले लेंगे सेल, सेल का लेजर लेंगे, किसका लेजर लेंगे साहब, सेल का लेजर। और सेल के लेजर में मेरे को TCS को जो है वो एप्लीकेबल करना पड़ेगा, सेल के लेजर में मुझे क्या करना पड़ेगा, TCS को एप्लीकेबल करना पड़ेगा। और यहां पर जो है मैं नेचर ऑफ गुड्स के अंदर एक कैटेगरी क्रिएट करूंगा अलग से, क्या करूंगा, एक नेचर ऑफ गुड्स के अंदर एक कैटेगरी क्रिएट करूंगा। तो ऑल्ट सी प्रेस कर लूंगा, TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स, और आप इसको कर लोगे पेएबल के अंदर। ये क्लैरिफिकेशन के लिए अगर आप नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते इसको, सेक्शन 206(c), पेमेंट कोड अभी हमारे पास नहीं है, इंडिविजुअल के लिए रेट क्या है 0.075%, विदाउट पैन वाले केस में 1% है, थ्रेशोल्ड लिमिट अभी आपको डालने की जरूरत नहीं है 31 मार्च 2021 तक के लिए, क्योंकि अभी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो डिवाइडेड है, 1 अप्रैल 2020 से काउंट होगी और TCS एप्लीकेबल हुआ है 1 अक्टूबर 2020 से, इसलिए आपको थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें मैनुअली थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स का मैंने लेजर क्रिएट कर दिया, कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, और यहाँ पर जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमसे पूछेगा नेचर, क्या पूछेगा, TCS नेचर ऑफ गुड्स ऑफ डिटेल। अगर ये ऑप्शन किसी के पास नहीं आ रहा है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर से मैं बेसिक पे ले चलता हूँ, यहाँ पर हमें F12 की को प्रेस करना पड़ेगा अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपके पास, और आपको क्या करना पड़ेगा, अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल फॉर TCS, इसको आपको करना पड़ेगा यस। क्या करना पड़ेगा, अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल फॉर TCS को करना पड़ेगा यस। एंड साथ के साथ आपको दो जगह पे नो करना पड़ेगा, वो कौन सी दो जगह है,
यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसको नो करना पड़ेगा, और यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, इन दोनों ऑप्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा। तो आपके पास विंडो स्क्रीन ठीक इसी तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ पर अब मेरे को जो है वो वैल्यू क्या फिल करनी है, मेरे को यहाँ पर वैल्यू क्या फिल करनी है, तो 53 लाख के ऊपर TCS ले लेगा, TCS की वैल्यू है ये, TCS एसेसेबल वैल्यू हमें क्या फिल करना पड़ेगी। तो हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, टोटल इनवॉइस की जो वैल्यू है वो है 62,54,000, कितनी है 62,54,000। तो 62,54,000 में से हम क्या करेंगे, 62,54,000 में से हम क्या करेंगे, 50 लाख रुपीज लेस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 12,54,000 रुपए, कितना आएगा 12,54,000। तो TCS हमें कितनी वैल्यू पे कलेक्ट करना है, 12,54,000, क्यों, क्योंकि बिल की वैल्यू कितनी है 62,54,000 रुपए, बिल की वैल्यू कितनी है, इनवॉइस की वैल्यू 62,54,000, और थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख रुपीज, और जो बायर मेरे को पेमेंट करेगा वो इंक्लूसिव ऑफ GST करेगा, इसलिए हमें 53 लाख रुपए नहीं लेने, हमें पूरी वैल्यू लेनी है 62,54,000, 50 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट है, इसलिए मैं 12,54,000 के ऊपर क्या करूंगा, TCS को कलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो हम यहां पर जो फिल करेंगे 12,54,000 की बेसिक वैल्यू फिल करेंगे, क्या करेंगे 12,54,000 की बेसिक वैल्यू। तो बेसिक वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 12,54,000 डिवाइडेड बाय 1.18, क्यों, क्योंकि GST का रेट कितना है 18% है, इसलिए मैं 1.18 करूंगा। अगर GST का रेट 12% होगा तो 1.12, अगर 5 होगा तो 1.05, और अगर 28 होगा तो 1.28, टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए। तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और 12,54,000 कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए हम 1.18 कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मेरी वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो फिल हो गई, कितनी फिल हो गई, 10,62,711.86 क्या हो गई, ये TCS की टैक्सेबल वैल्यू हो गई, एसेसेबल वैल्यू हो गई। एंटर प्रेस कर दोगे आप इसके बाद, और इसके बाद हम करेंगे CGST। CGST में जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो 4,77,000 CGST का पैसा आपका बन गया, 9% के हिसाब से 53 लाख रुपए के ऊपर। टैक्स किस पे कैलकुलेट होगा, GST 53 लाख पे। TCS डायरेक्ट टैक्स है, GST इनडायरेक्ट टैक्स है, दोनों चैप्टर अलग अलग है, मिक्स मत कर लेना। इस पे एंटर जैसे हम प्रेस करेंगे, अभी हमें GST के लेजर पे भी जो है TCS को पहले एप्लीकेबल करना पड़ेगा, तो हम GST के लेजर पे TCS को एप्लीकेबल कर लेंगे, और यहाँ पर हम जो ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ गुड्स में, तो TCN ऑन सेल ऑफ गुड्स जो हमने बनाया था वो हम यहाँ से ले लेंगे, इसको कंट्रोल ए कर देंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो अगेन आपसे वही एसेसेबल वैल्यू वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू निकली थी, टैक्सेबल वैल्यू हमारी कितनी निकली थी, टैक्सेबल वैल्यू जो हमारी निकली थी वो निकली थी 10,62,711.86। तो इसका 9% हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, कितना पड़ेगा 9%। तो 10,62,711.86 × 9 / 100, तो हमारी जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली यहाँ पर 95,644 रुपए निकली। एंटर प्रेस करोगे आप SGST के लेजर को एंटर करोगे, इसको मैं कंट्रोल एंटर कर लूंगा क्योंकि पहले मैंने इस पर TCS को एप्लीकेबल नहीं किया, अब मैं इसको TCS को यहाँ पर एप्लीकेबल कर दूंगा, कैटेगरी ले लूंगा कंट्रोल SS। सो गाइस अब हम क्या करेंगे, TCN ऑन सेल ऑफ गुड्स का एक लेजर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी TCN ऑन सेल ऑफ गुड्स, यहाँ पर हम पेएबल लिख लेंगे, अगर आप लिखना चाहो फाइनेंशियल ईयर डालना चाहो फाइनेंशियल ईयर डाल दो, आपकी मर्जी है। अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पर हम जो सिलेक्ट करेंगे वो हम सिलेक्ट करेंगे TCS, क्या सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर TCS। देन इसके बाद हमारे पास लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ गुड्स आ जाएगी, यहाँ से हम ले लेंगे इसको TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स, कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी 941, कोई भी वैल्यू आपको मैनुअली फिल नहीं करनी है। ऑल्ट हम प्रेस कर लेते हैं और देखते हैं किस वैल्यू के ऊपर क्या क्या हमारा टैक्स लगा है। तो यहाँ पर GST जो लगा है वो लगा है 53 लाख रुपीज़ के ऊपर, कितने के ऊपर 53 लाख रुपीज़ के ऊपर, हम यहाँ से देख सकते हैं 53 लाख रुपीज़ के ऊपर 9%, 4,77,000 एंड SGST 4,77,000। दूसरी तरफ जो हमारा TCS का पैसा जो लगा है वो लगा है 12,54,000 रुपये के ऊपर, कितने के ऊपर 12,54,000 रुपये के ऊपर। क्यों लगा है, क्योंकि हमारा जो पैसा था मैं आपको बता देता हूँ, 53 लाख हमारे इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू थी, CGST का पैसा था इसमें हमारा
477000, SGST का पैसा था 477000, टोटल इनवॉइस वैल्यू जो थी वो थी हमारी 954.53 लाख रुपीज, ये बन गए थे हमारे 62,54,000। द्वारा बता देते हैं, टोटल इनवॉइस वैल्यू जो थी वो थी 62,54,000 और थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो है 50 लाख रुपीस। तो जो TCS जो कलेक्ट वैल्यू जो होगा, जो जिस वैल्यू को पर TCS कलेक्ट किया जाएगा वो है 62,54,000 माइनस 50 लाख इज इक्वल टू 12,54,000 रुपये। तो यही 12,54,000 रुपये के ऊपर हमारा TCS वैल्यू कलेक्ट किया, 12,54,000 का 0.07% जो निकलेगा वो निकलेगा 941 रुपीस। तो ये इस तरीके से हमने क्या करा, सेल के ऊपर टैक्स को कलेक्ट कर लिया। एंटर प्रेस करा हमने और हम इसको कर देंगे सेव। ये हमसे पूछेगा, आपके पास ऑप्शन आएगा द टैक्स डिटेल्स आर मॉडिफाइड, आपको उसमें क्या सिलेक्ट करना है, ओ ओवरराइड एक्सेप्ट विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स, ओ कर देंगे हम। तो ये हमारा सेल का ट्रांजैक्शन भी जो है वो फिक्स हो गया। बैलेंस शीट के अंदर आते हैं एंड ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएंगे। ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमारी लाइबिलिटी बन रही है 941 रुपीज़ की, किसकी बन रही है, ये हमारी TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स, ये मेरी लाइबिलिटी है। CGST SGST की लाइबिलिटी जो है वो 9,000 रुपये है, ऑलरेडी बता चुका हूँ थ्री लेजर कॉन्सेप्ट, क्योंकि 4,68 हमने परचेस के ऊपर दिया था, 4,77 हमने जो है वो सेल के ऊपर कलेक्ट किया, तो मेरे को गवर्नमेंट को कितने देने हैं, 9,000 रुपये देने हैं। ठीक है, डिस्प्ले में आते हैं स्टैच्यू रिपोर्ट एंड TCS रिपोर्ट में आएंगे और 27EQ को ओपन करेंगे, तो हमारे पास कोई भी किसी भी तरीके का एरर नहीं है, हमारे पास यहाँ पर जीरो एरर है और 941 रुपये का मैंने जो है TCS वो कलेक्ट किया, यहाँ पर मेरे पास लाइबिलिटी में आ रहा है। अगर मैं TCS की आउटस्टैंडिंग देखूँ, यहीं पे मेरे को TCS आउटस्टैंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, एंटर प्रेस करने के बाद मेरे पे जो आउटस्टैंडिंग है वो 941 रुपीज़ की है। पार्टी वाइज अगर करूँ तो पार्टी वाइज मेरे पे किसकी लाइबिलिटी है, 123 एंड कंपनी, जिसको कि मैंने माल सेल करा था इसके ऊपर मैंने TCS कलेक्ट किया, तो TCS मैं पे कर लूँगा 941 रुपीज़ को। ठीक है, तो इसको पे करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऑल्ट एस प्रेस कर सकते हो आप स्टेट पेमेंट के लिए, तो हम ऑल्ट एस प्रेस कर लेंगे और जो पीरियड है हमारा 1/10/2020 से लेके 1/10/2020 तक का है, हम यहाँ पर जो ले लेंगे वो ले लेंगे कैश अकाउंट अगर आप लेना चाहो, अदरवाइज आप बैंक भी ले सकते हो, बैंक से पेमेंट करो वैसे तो बैंक ही लिया जाएगा। और TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स को हम ले लेंगे यहाँ सर, अगेंस्ट रेफरेंस जैसे ही करोगे तो आपके पास कंपनी का नाम और अमाउंट दोनों आ जाएगी, हम इससे इसको पे कर देंगे, ये हमारा जो है TCS पे हो गया। अगर मैं इसकी अब लाइबिलिटी देखता हूँ TCS की आउटस्टैंडिंग, तो मेरे पास TCS की कोई आउटस्टैंडिंग किसी भी तरीके की अभी नहीं है। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, TCS का पेमेंट ले लिया और जो TCS मैंने पे करके लिया था वो मेरा ऑलरेडी असेट्स के ऊपर आ ही रहा है, असेट्स में मेरे 941 रुपीस जो है वो असेट्स में जो है मेरे 852 रुपीस जो है वो आ रहे हैं ऑलरेडी, जो मैंने परचेस के ऊपर पे करके आया था। अब हम आते हैं अपनी बैलेंस P&L के ऊपर, P&L में मेरे पास प्रॉफिट है 1,00,000 रुपये का और मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ 1,00,000 रुपये के ऊपर मेरे को इनकम टैक्स देना है, कितना 10%। मैं यहाँ पर खाली हम काल्पनिक ले रहे हैं फिगर, इनकम टैक्स एट द रेट 10% ऑन ₹1,00,000, तो कितना बना 10,000 रुपये मेरी लाइबिलिटी, इनकम टैक्स की लाइबिलिटी कितनी है 10,000 रुपये की। और मैं TCS कितना पे करके आया था, TCS जो मैंने पे किया था, यहाँ पर हम इनकम टैक्स के एडजस्टमेंट की एंट्री सीख रहे हैं, TCS मैंने पे किया था 852, तो एक्चुअली मुझे इनकम टैक्स कितना पे करना चाहिए, 10,000 माइनस 852 इज इक्वल टू 10,000 माइनस 852 कर लेते हैं, तो 9,148 रुपये मुझे कितना इनकम टैक्स टू बी पेड, फिर से फिगर चली गई, 9,148 रुपये कितना इनकम टैक्स पे करना है मुझे, 9,148। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। वाउचर में आया F7 जर्नल प्रेस किया,
इनकम टैक्स हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, कुछ लोगों का डाउट है, ये डाउट भी मैं अभी जो है इसी वीडियो में दूर कर दूंगा। इनकम टैक्स हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है जिसके ऊपर हम जीएसटी को एप्लीकेबल नहीं करेंगे। तो इनकम टैक्स मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर, अभी हमने कोई खर्चा वगैरह नहीं डाला, हमारा इनकम टैक्स है 10,000 रुपये और मेरे पास TCS कितना पड़ा जो कि मैं पे करके आया था। तो मैं यहाँ से TCS रिसीवेबल वाले ऑप्शन को जो सिलेक्ट कर लूँगा तो TCS मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, 852 रुपीज़। तो अब मुझे इनकम टैक्स की लायबिलिटी कितनी करनी है, इनकम टैक्स पेएबल एक लेजर क्रिएट करेंगे अंडर करंट लायबिलिटी, कंट्रोल ए से सेव करेंगे। तो मुझे इनकम टैक्स कितना पे करना है, 9,148 रुपए। तो ये मेरी इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट की एंट्री हो गई, मैंने TCS के पैसे को इनकम टैक्स से एडजस्ट कर दिया। बैलेंस शीट के अंदर आते हैं तो मेरे पास अब TCS का जो अमाउंट है इसके अंदर निल है फिगर। क्या है फिगर, निल है। क्यों है, क्योंकि मैंने TCS के अमाउंट को एडजस्ट कर दिया। P&L में आते हैं तो इनकम टैक्स की मैंने एक्सपेंस को बुक कर लिया 10,000 रुपए और बैलेंस शीट में आते हैं और इनकम टैक्स की लायबिलिटी मेरे पास कितनी है, 9,148 रुपए की। क्यों, क्योंकि 10,000 इनकम टैक्स था, TCS अमाउंट मेरे पास जो पड़ा हुआ था जो मैं परचेस के ऊपर पे करके आया था वो था 852। तो इनकम टैक्स जो मुझे पे करना था वो कितना हो गया, 9,148। ये मेरे को इनकम टैक्स को पे करना था। अब कुछ लोगों का डाउट है कि इनकम टैक्स एक्सपेंस नहीं होता सर, हम तो एक्सपेंस में डालेंगे नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, हमने P&L खोला और शेड्यूल 6 जो कंपनी इसके लिए जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो शेड्यूल 6 में बनाई जाती है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो हम ऑल्ट एस प्रेस करेंगे इसको ओपन करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे लिखा है टैक्स एक्सपेंस। क्या लिखा हुआ है, टैक्स एक्सपेंस, मतलब यहाँ पर कंपनी इसके अंदर इनकम टैक्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, टैक्स के तरीके से ट्रीट किया जाता है। कैसे ट्रीट किया जाता है, टैक्स के तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो इनकम टैक्स आपके लिए एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट टैक्स हमेशा आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, आपकी कॉस्टिंग का पार्ट होता है, आपके लिए एक्सपेंस होता है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर जो सीखा वो हमने सारी चीज़ें सीखी। यहाँ मैंने खाली यहाँ क्लेरिफिकेशन दिया, अमाउंट ऑफ TCS विल बी कलेक्टेड ऑन द वैल्यू ऑफ ₹12,54,000, 62,54,000 रुपये का जो था वो आपकी इनवॉइस वैल्यू थी, 50,00,000 आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट थी, 12,54,000 रुपये के ऊपर 0.075% के हिसाब से 941 रुपये TCS कलेक्ट करोगे आप। तो ओवरऑल वीडियो का अगर मैं समरी इसकी फटाफट से बनाऊँ, अगर मैं वीडियो को समअप करूँ, तो हमने वीडियो के अंदर क्या सीखा कि परचेस की एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेगा बायर, सीलर की एंट्री कैसे करेगा अगर एक ही व्यक्ति बायर और सीलर दोनों है TCS में फॉल कर रहा है तो कैसे वो करेगा, TCS के कैसे कैलकुलेट करेगा, पेमेंट और रिसीप्ट की एंट्री कैसे करेगा और कैसे TCS के अमाउंट को एडजस्ट करेगा, ये सारा कुछ आज के हमने वीडियो में सीखा। परचेस के लिए हमें TCS रिसीवेबल का एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और किसी तरीके के TCS को एप्लीकेबल नहीं करना पड़ता। पर सेल के लिए मेरे को किस में एप्लीकेबल करना पड़ता है, पार्टी के लेजर में। पार्टी के लेजर में, आइटम के लेजर में, सेल के लेजर में, जीएसटी के लेजर में और TCS का लेजर अलग से एक बनाना पड़ता। तो यहाँ पर 5 जगहों पे मेरे को जो है TCS सेल के ऊपर कलेक्ट करते समय 5 जगह पे TCS को एप्लीकेबल करना पड़ता है। सो गाइस ये पूरा वीडियो है, इस वीडियो का फ्री PDF नोट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से और हमें जाके टेलियम एंड इंस्टीट्यूट चैनल को सर्च करते हुए आपने उसको ज्वाइन कर लेना है। पूरा PDF वहाँ पे आपको फ्री में प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।